फोटोग्राफी यहाँ करते हैं फोटोग्राफी पूरे मन के साथ और मन के साथ। तो गाइस, आज हम कुछ ऐसे चीजों पे बात करेंगे जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं या फिर आपको बताना नहीं चाहते। तो गाइस, मैं हूँ सेल्फ टॉट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और मैं आज बात करूंगा फोटोग्राफी के कुछ गलतियों की। जब मैं फोटोग्राफी सीख रहा था तब मैंने क्या क्या गलतियां करी, मैंने क्या बहुत सारे एमेच्योर फोटोग्राफर, बिगनर फोटोग्राफर और अभी जो लेजेंडरी फोटोग्राफर्स हैं उन लोगों ने भी ये गलतियां करी हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो उस टाइम अगर मेरे पास इन गलतियों को बताने वाला कोई और होता तो शायद मैं ये गलतियां ना करता और अपनी फोटोग्राफी को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव कर पाता। तो गाइस, पहली गलती हमारी है कि हम फोटोग्राफी स्टार्ट ही नहीं करते। हम बस ये सोचते रह जाते हैं कि फोटोग्राफी करनी है, कल से शुरुआत करेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट मंडे से शुरुआत करेंगे, पर ऐसा नहीं चलता है। आपके पास जो कुछ भी हो, कैमरा, मोबाइल, जो भी हो, जाओ स्टार्ट करो, इंजॉय करो फोटोग्राफी को। तो गाइस, हमें कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना है, उसके बारे में सर्च करना होता है। सपोज दैट मुझे किसी ने बोला कि तुझे इंडियन पैरेट की फोटो क्लिक करनी है, मैं अगर वो फोटोग्राफ क्लिक करने जा रहा हूँ उससे पहले मुझे सर्च करना है कि वो मिलते कहाँ पे हैं, उनका बिहेवियर क्या है और वो किस आर में सबसे अच्छी फोटोज, फोटोजेनिक पोजेज में रहते हैं। तो आपको भी यही करना है। आप किसी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में गए हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानो, उसके बारे में उसकी फोटोज पर रिसर्च करो कि कैसे कैसी बैकग्राउंड कैसे रख के फोटो क्लिक करी गई हैं। तो गाइज, आप अपने लिए कुछ फोटोग्राफर्स को इंस्पिरेशन मान सकते हो, कुछ को आइडलाइज कर सकते हो। जैसे मैं आइडलाइज करता हूँ सुधीर सर को, रतिका मैम को, वैसे आप भी अगर आप फैशन फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो आप दबू रत्नानी को से इंस्पायर हो सकते हो। बट उनकी फोटो को कॉपी मत करना, उनकी फोटोज को देख के इंस्पायर हो कि वो किस तरह से फोटो को फ्रेम करते हैं और किस तरह की फोटो, किस कंडीशन में लाइटिंग लेते हैं, क्योंकि ये फोटो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टिप्स भी शेयर किए होते हैं कि आपको किस तरह की फोटोग्राफ्स कैसे क्लिक करनी है। गाइस, जो हम नेक्स्ट गलती करते हैं कि हम अपने बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देते हैं। अब आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आप किसी की पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो और जो ताड़ का पेड़ हो वो उसके सर से बाहर निकल जाए, आप ये नहीं चाहोगे। या फिर आपके बैकग्राउंड में इतना बिजनेस आ जाए कि लोगों का सब्जेक्ट से ध्यान हटके बैकग्राउंड पे चला जाए। तो हमेशा फोटोग्राफ क्लिक करने से पहले अपने बैकग्राउंड को देखना, इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आपको कहीं चेंज तो नहीं करना है, तब फोटो के लिए फ्रेम करना। तो गाइस, जो हम नेक्स्ट गलती करते हैं वो शटर बटन प्रेस करने में जल्दबाजी कर देते हैं। वो हमें नहीं करना है। हमें पहले फोटो क्लिक करने से पहले 2 सेकंड पहले, 10 सेकंड, 15 सेकंड का टाइम ले लो और फोटोग्राफ्स कंपोजिशन को फिर से देखो दोबारा प्रेस करने से, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद प्रेस शटर बटन को प्रेस कर दो गया है। और जल्द प्रेस बटन को दबाने से क्या होता है कि हमारा कैमरा हिल जाता है और फोटो ब्लर होने का चांस 50% से ज्यादा हो जाता है। तो गाइस, जैसा बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि फोटोग्राफी में फ्रेमिंग और कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कंपोजिशंस के रूल्स को फॉलो करो। कंपोजिशन पे ज्यादा ध्यान दो, बशर्ते कि आप ये ध्यान दो कि आप मैनुअल में क्लिक कर रहे हो, अपर्चर मोड में क्लिक कर रहे हो कि ऑटोमेटिक में क्लिक कर रहे हो। आप अभी फोटोग्राफी सीख रहे हो, मोड आप बाद में सीख जाओगे। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेमिंग और कंपोजिशन वो सीखो, उसमें आप ऑटोमेटिक में करो क्योंकि उस समय आपको कैमरे से कोई मतलब नहीं होता है, ऑटोमेटिक कैमरा आपको रिजल्ट देगा। अगर एक बार आप फ्रेमिंग सीख गए तब आप मोड तो एक दिन का 10 मिनट में सीख जाओगे। कंपोजिशन पे दोस्तों ज़्यादा ध्यान देना, मैं भी अब कंपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जब मैं पहले था तो मैं मोड्स पे ज़्यादा ध्यान देता था, जो कि गलत है, नहीं करना ऐसा।
तो गाइस जो नेक्स्ट गलती हम करते हैं वो करते हैं बहुत लोग जो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे सिखा रहे हैं फोटोग्राफी, वो ये बोलते हैं कि आप जस्ट जाओ फोटोग्राफी स्टार्ट करो एंजॉय करो, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि फोटोग्राफी के कुछ रूल्स नहीं होते हैं। लेकिन वो रूल्स तब नहीं होते हैं जब आपको सारे रूल्स पता हो और सारे रूल्स आप अच्छे से जानते हो। अगर एग्जांपल क्रिकेट का दें तो एबी डिविलियर्स को 360 डिग्री बोलते हैं, लेकिन उसका बेसिक भी तो अच्छा है, जिसका बेसिक ही नहीं अच्छा रहेगा वो कैसे इम्प्रोवाइज करेगा। इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए, इसीलिए जितना हो सके उतना रूल्स के साथ प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। एक दिन में 5 घंटा, अभी लॉकडाउन है घर में ही करो आप। तो गाइस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब जेनर ऑफ फोटोग्राफी जैसे कि फैशन फोटोग्राफी हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गया, तारों की फोटोग्राफी हो गई, नेचुरल फोटोग्राफी हो गई, फ्लावर की फोटोग्राफी होगी, इन सब जेनर की फोटोग्राफी, जितने भी तरह के फोटोग्राफी के जेनर्स होते हैं सब जेनर की फोटोग्राफी के प्रैक्टिस करना। इससे आपको क्या लगेगा, आपको मालूम चलेगा आपका इंटरेस्ट है किस में और आप किस तरह की फोटोग्राफी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वाइल्ड लाइफ ही करना है पर वाइल्ड लाइफ करते करते आपको नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप फोटोग्राफी से ही हेट करने लोगे, वो मत करना। तो जब मैं फोटोग्राफी सीख रहा था तब फेसबुक था, इंस्टाग्राम भी था, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फोटोज डालता था। तो कुछ फोटोज थे ऐसे जिसपे बहुत ज़्यादा लाइक्स आते थे और कुछ फोटोज ऐसे थे जो मैंने बहुत मेहनत से क्लिक करी होती थी पर उस पर लाइक बिल्कुल नहीं आते थे। तो मुझे लगता था कि यार इस तरह की फोटोग्राफी में ही लोगों ने इंटरेस्ट दिखाई है, मैं आगे से इस तरह की फोटोग्राफी करूँगा। लेकिन उससे कुछ करते करते क्या होगा ना, मैं बोर हो गया, मैं बोला नहीं यार। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट बर्ड्स में है, मैं बर्ड्स की फोटोग्राफी अच्छी करता हूँ, तो मैंने बर्ड्स की फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। तो अगर आपको लंबे रेस तक फोटोग्राफी करनी है, अगर आप सच में इसमें कैरियर देख रहे हो, तो लोगों को क्या पसंद आ रहा है वो छोड़ो और ये देखो कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरह की फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप उस तरह की फोटोग्राफी करो। लोगों को क्या है, उनको आज ये पसंद आ रहा है कल कुछ और पसंद आ जाएगा, आपको अपने फोकस से नहीं हटना है। और हाँ, अगर आप बस ऐसे ही फोटोग्राफी कर रहे हो टाइम पास के लिए तो जो मर्जी करो, पर अगर आप इसमें करियर देख रहे हो, कैरियर, तो आप अपने गोल पे, अपने जेनर पे फोकस करो। लेकिन प्रैक्टिस हर जेनर की करो। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे नए नए चीज़ों का पता चले, मैं शायद उसको फील्ड में यूज कर सकता हूँ अगर मेरी प्रैक्टिस रहेगी तब। नेक्स्ट है कि हम किसी तरह के वर्कशॉप को अटेंड नहीं करते हैं, कोई फोटो वॉक पे नहीं जाते हैं। जो हम बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं जो एक लेवल पे पहुंच गए, उन वो लोग फोटोग्राफी वॉक, फोटोग्राफी मीटअप्स और ये सब करते रहते हैं। आपको उसमें जाना चाहिए और वो वहाँ पर जाके आपको वहाँ बहुत कुछ, आपके जैसे हजारों फोटोग्राफर्स होंगे या आपसे अच्छे होंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट गलती हम ये करते हैं कि हम अपने फोटोग्राफ्स को जो पहले से एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर हैं उनसे मैच करते हैं, वो हमें नहीं करना। उनकी 10 साल की मेहनत और आपके 6 महीने की मेहनत में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप नहीं समझ पा रहे हो अभी, लेकिन आपको डीमोटिवेट करने के लिए वो काफ़ी है। 10 साल बड़े फोटोग्राफर से क्या आप 2 दिन बड़े फोटोग्राफर से या किसी से भी अपने काम को नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो उनके स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी है और आप जो करते हो वो आपके स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी है।
इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने गियर्स के लिमिट्स को समझो। अगर आप फोन से फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप बर्ड फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, तो आप किसी और चीज में फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, प्रैक्टिस के जितनी सारी चीजें वो लेके आओ, वहां पे परफेक्ट हो। उसके बाद आपके पास जब पैसे होंगे, DSLR होगा, तब आप बर्ड फोटोग्राफी में भी उन सब चीजों को यूज करके बहुत ऑसम फोटो क्लिक कर सकते हो। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।